जींद में सरपंचों ने सरकार को जींद की धरती से दी खुली चुनौती। कहा, जब तक सरकार हमारी ई टेंडरिंग की प्रणाली को बहाल नहीं करती तब तक बीजेपी और जेजेपी के विधायक मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। जींद से 30 मई को सरपंचों की बड़ी महारैली का ऐलान किया है। इस रैली में सरपंच सभी मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेंगे। आज जींद की जाट धर्मशाला में पूरे हरियाणा भर से सरपंच यहां पर इकट्ठा हुए। सरपंचों ने एक मुहिम चलाई है, गांव बचाओ देहात बचाओ, और 2024 के विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध करने का फैसला सरपंचों द्वारा लिया है। सरपंचों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती उनका यह फैसला अडिग रहेगा। आज हमारे पूरे हरियाणा के ब्लॉक के प्रधान, जिले के प्रधान, सभी की सभी इकट्ठे हुए थे और हमारा आंदोलन चला हुआ गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, उसी के विषय में हम लोगों ने तीन फैसले लिए हैं। एक तो सरकार छवि खराब करना चाहती है ग्राम पंचायतों की, आम पब्लिक के बीच में एक रूमर फैला रखे हैं लोगों ने, ये धीरे धीरे पंचायती राज को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सरपंचों को बदनाम करके आगे पंचायती राज एक्ट को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। एक तो हम लोगों ने फैसला लिया, सरकार कहती है कि सरपंच काम नहीं करवाते, हम लोग अपने अपने गांव में ग्राम सभा करेंगे और गांव के लोगों को बुलाएंगे, और जो गांव की समस्या है, कोई गांव के अंदर कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, जिम चाहिए, स्टेडियम चाहिए, उसके प्रस्ताव देंगे ताकि आम जनता को सरकार की नीयत का पता चले कि ये लोग काम करवाना मकसद नहीं है लोगों का, वो प्रस्ताव देंगे। कोई रास्ता है वो मनरेगा के माध्यम से मनरेगा में डलवाएंगे, वहाँ कोई टेंडर प्रणाली है नहीं है, वो ग्राम पंचायत की देखरेख में होता है। दूसरा, 2 लाख से नीचे के जो काम है गली नाले के, वो ग्राम पंचायत के उससे करवाए जाएंगे। एक हम लोगों ने सरकार कह देती है कि कुछ एक सरपंच है जानबूझ के, हम लोगों ने 2 मई को हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 22 के 22 जिलों के अंदर सरकार के पुतले फूके जाएंगे और सरकार के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जुलूस कह लो या रोष प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरा, हम 30 मई को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर वर्ग दुखी है, इंदिरा आवास योजना के तहत किसी भी गांव के अंदर गरीब व्यक्ति को मकान नहीं दिया जाता, मेरे गांव में मेरे सामने सवाल आए लोगों के, गरीब आदमी की मकान चाहिए, प्लाट चाहिए, ये सब गुमराह करेंगे। गरीब लोगों को BPL राशन कार्ड काट दिए गए, हर वर्ग दुखी है। 30 मई को हम ग्राम पंचायतों के लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्र को जींद के अंदर इकट्ठा करने का काम करेंगे और आगे सरकार के खिलाफ और कोई कड़ा निर्णय लेंगे, सभी के सभी पूरा ग्रामीण समाज को इकट्ठा करके सभी से सलाह करके आगे इस सरकार के खिलाफ और भी सख्त निर्णय लेंगे और हम सरकार को दिखाएंगे ग्राम पंचायतों की ताकत और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ताकत। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग हैं जिन्होंने किसी की गुलामी सहन नहीं किया आज तक, इनकी मुख्यमंत्री जी तो चीज ही क्या है, बड़े बड़े बादशाह आए तो हरियाणा की धरती भी आड़ पिटे थे सबके, जितने भी बादशाह बाहरी आक्रमणकारी आए तो हरियाणा के लोगों ने उन लोगों को खदेड़ा था और देश से बाहर करने का काम किया था, और यही काम अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग और ग्राम पंचायत के लोग मिलकर इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। बाकी हमारे प्रवक्ता जी हैं, महारैली की भी बात रखी थी अपने मंच में, बोला था सारे सरपंच इकट्ठा हो गए, महारैली रखी जाएगी, वो महारैली जींद के अंदर 30 मई को, वही तो कह रहा हूँ 30 मई को उसमें महारैली है, जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र को इकट्ठा करेंगे, हर वर्ग के लोग होंगे उसमें। 36 मई को उसमें महारैली है, जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र को इकट्ठा करेंगे, हर वर्ग के लोग होंगे उसमें, 36 बिरादरी के लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक बहुत बड़ी महारैली करेंगे। जिनके इतने लोगों का टारगेट रखा गया है, हम हरियाणा के इतिहास में इतनी संख्या में कभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा नहीं हुए जितने लोग 30 मई को जींद के अंदर आपके सामने दिखाएंगे। प्रधान जी, बार बार यही बात आती है, सरपंच ही एकजुट नहीं है, वो आंदोलन में सभी एक साथ नहीं चल पा रहे, तो कैसे आप एक बात, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कम से कम 10 बार चैलेंज दे चुका हूँ, सरकार कहती है कि कुछ एक सरपंच है, 6226 ग्राम पंचायत है, सरकार 500 या 700 ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठा करके दिखा दे, हम मान जाएंगे सरकार सच बोल रही है, ये सरकार गुमराह करने की साजिश है। आज तक 7 या 8 ही सरपंच ऐसे आए हैं जो सरकार के आदमी थे, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, आप दिखाओ तो कहीं, सरकार का तो काम है पब्लिक को गुमराह करना। आप एक चीज़ देखो, हम लोगों ने जहाँ भी इकट्ठे हुए आज तक, हमारी संख्या तो देखो, पंचकूला के अंदर देखो 2 बार
जसिया के अंदर देखो, टोहाना के अंदर देखो, सरकार ने कहाँ दिखाई? सरकार आज क्या हालत हो गई सरकार की? मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते तो पूरी पूरी ग्राम पंचायत को मिलने का। आज अगर दो सरपंच भी फोन कर देना, मुख्यमंत्री जी मिलने स्पेशल टाइम दिया जाता है सिर्फ संगठनों को तोड़ने के साथ। लेकिन हमारे सभी के सभी साथी ईमानदार और खुददार हैं, ये ना एक भी साथी बिकेगा ना झुकेगा, चाहे वो प्रेजेंट सरकार की है चाहे वो अपोजिशन की है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम किसी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाएंगे। हम बुलाएंगे अपने खाप प्रतिनिधियों को, हम बुलाएंगे अपने आम जनता गांव की, जिसने हमारे ऊपर विश्वास जता के हम लोगों को यहाँ से चुन के भेजा है। हम उस जनता को यहाँ जोड़ने का काम करेंगे और इस बेईमान सरकार की जो दुरांत नीतियां हैं, जो गंदी नीतियां हैं, उनसे अवगत कराने का काम करेंगे। और वो 30 मई से पहले पहले हर गांव में जाके, हर चौपाल में जाके हम लोगों को इकट्ठा करके इसकी गलत नीतियों को, जो ये अपना गांव बचाओ देहात बचाओ की हमारी मुहिम है, जो इस गांव को बर्बाद करने के लिए सरकार चली है, उन नीतियों से आम जनता को अवगत कराएंगे। क्या नाम था? सुधीर बुआना, जिला प्रधान। ठीक भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।